Okay, unit number 3 is what is government in your civics textbook. The chapter name is what is government. And we learn this lesson before vacation that what is government, how the government work for the country, you know, work for people, work for citizens, which kind of work they do for us that we learn. We also learn about level of government and terms we also you also write in your civics notebook that levels of government is local level, state level, and national level. Okay, these three kinds of levels also we have written in your notebook. These terms we have written. Functions, government functions, we also learn that how government works for state and all. Then we seeing that laws and government. Okay, laws and government. It is on page number 31. Government makes many kinds of rules, like a vehicle rule. You know, all the citizens have to follow the government rules. Like license rule is there, law of license. You know, so बहुत सारे laws बने हुए हैं, कायदा कानून बना हुआ है, जिसको हमें सारे citizens को follow करना रहता है. Then this kind of rule follow this kind of rules. Are made by government, but we have to follow it. Then types of government dekh rahe hain apne page number 31 pe dekho types of government. Who gives the government his power to make decision and enforce those? So hamare mann mein question uthega ki who gives the government this power to make rules, hai na? So the answer to this question depends on type of government. गवर्नमेंट को किसने पावर दिया है जो हमारे लिए रूल बनाता है ना? ये क्वेश्चन हमारे माइंड में गवर्नमेंट रूल बनाते हैं, गवर्नमेंट लॉज बनाते हैं, लॉ को हम फॉलो करते हैं, मेनी टाइम्स ऑफ लॉज आते हैं, बट हु गिव्स दिस पावर टू गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को ये पावर देगा कौन? जैसे कि हमारे यहाँ पे जो गवर्नमेंट चलती है उसे पावर कौन देता है बच्ची? कि आप पैटर्न को रन करना है, पैटर्न को रन कौन करता है? पैटर्न को कौन रन करता है? जिला पंचायत रन करती है. ओके, तो जिला पंचायत को पावर किसने दिया रन करने के लिए, बताओ? चलो आपके माइंड में क्वेश्चन है, दिल्ली में कौन पावर करता है, किसका पावर है? पीएम, क्या हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सर, तो उनको पावर किसने दिया? हम सबको वो रूल बताते हैं, हम सब उसे फॉलो करते हैं, सारे स्टेट में अच्छे से रूल कर रहे हैं, तो वो पावर देता कौन है बताओ? गवर्नमेंट. कौन देता है? गवर्नमेंट. आपकी आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो. गवर्नमेंट. गवर्नमेंट को कौन पावर देता है, ऐसा क्वेश्चन. हु गिव्स दिस पावर टू गवर्नमेंट? रूल बनाना, लॉ बनाना, ये सारा पावर है. पावर किसके हाथ में? गवर्नमेंट के हाथ में. गवर्नमेंट को ये पावर दिया किसने? प्राइम मिनिस्टर, पीएम. आपकी आवाज एकदम नहीं आ रही है, स्पीकर का वॉल्यूम शायद आपका कम हो गया, आप उसको चेंज करो फोन में, देखो. ओके, तो आंसर इज दैट. देखो आपको अगर आंसर नहीं, जैसे कि आप क्लास के मॉनिटर मैंने आपको बनाया, तो आपके पास पावर है. क्या पावर है आपको? आप क्लास को सुपरवाइज करते हो, हैंडल करते हो क्लास को. जब टीचर नहीं होते तो क्लास का जो मॉनिटर होता है वो हैंडल करता है क्लास को. तो आपको पावर किसने दिया? क्लास टीचर ने दिया. सो सेम क्वेश्चन इज दैट हु गिव्स दिस पावर टू गवर्नमेंट? गवर्नमेंट को पावर कौन देता है? तो आंसर इज दैट द आंसर दिस क्वेश्चन डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ गवर्नमेंट. कौन से टाइप की गवर्नमेंट हमारे देश में चल रही है, तो हमारे देश में कौन सी गवर्नमेंट चल रही है उसके ऊपर डिपेंड है. अमेरिका में कौन सी गवर्नमेंट है, चाइना में कौन सी गवर्नमेंट है, उसके ऊपर डिपेंड है उसके उसको पावर कौन देता है. तो टाइप ऑफ गवर्नमेंट में देखो, पहला है इन डेमोक्रेसी. It is power. It is people who give the government this power. तो हमारे देश में कौन सा गवर्नमेंट चलता है? डेमोक्रेसी चलता है. डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है? जहाँ लोगों के द्वारा नेताओं को चुना जाता है, है ना? People gives this power to the government. We choose our government. हम हमारे गवर्नमेंट को चुन सकते हैं ना? हम वोट देते हैं उनको. वोट देते हैं तो वो क्या होते हैं? मंत्री बनके हमारे देश में पावर उनके हाथ में जाता है. हम कौन सी गवर्नमेंट को चुनना चाहते हैं वो लोगों के ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम उनको वोट देते हैं, है ना? तो ये वाला जो गवर्नमेंट की टाइप है डेमोक्रेसी, उसमें लोगों
और लोग जो होते हैं पीपल जो होते हैं वो लोग गवर्नमेंट को पावर देते हैं देश को चलाने के लिए. तो ये आपका आंसर हुआ. क्या आंसर हुआ? डेमोक्रेसी अगर गवर्नमेंट है तो लोग उनको पावर देते हैं रूल करने के लिए. ओके तो लिखो चलो टाइप ऑफ गवर्नमेंट. मैम इसका चैप्टर हो गया है. टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहले आएगा डेमोक्रेसी. मैम इसका चैप्टर हो गया है. In this type of government, democracy government, people gives the power to the government. They do this through election in which they vote for particular person and elect them. Okay, मैंने जैसे बोला democratic government में क्या होता है? लोग वोट देते हैं उस पर्सन को जिसको वो चुनना चाहते हैं. यहाँ पे लिखा है they do this through the election. They choose the particular person and elect them. Once elected, this person form the government. एक बार अगर किसी को elected किया जाए election के द्वारा अगर उनको vote देके choose किया जाए तो वो elected person बन जाते हैं और वो elected person की एक team बनती है जिसे कहते हैं government. This democracy, the government has to explain its action and define its decision to the people. This type of government, हमारे जो देश में गवर्नमेंट चल रहा है, हमारे देश में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट चल रहा है, तो वो लोगों को बताते हैं, लोगों को हर बात जताते हैं कि हर गवर्नमेंट क्या करने वाली है, उनकी क्या-क्या आगे चल के कौन से लोगों के हित में वो क्या डिफेंड करने वाले हैं, वो एक्शन जो होती है वो लोगों को एक्सप्लेन करते हैं बिकॉज लोगों के द्वारा हमको इलेक्शन करके चूज किया गया, इलेक्ट किया गया. Now another form of government is monarchy. देखो monarchy. The monarch, king or queen, has the power to make the decision and run the government. देखो democracy में किसका power होता है? आप देख सकते हो पीपल In monarchy, king or queen run the government. The monarch may have a small group of people to discuss matter with, but the final decision-making power remains with the monarch. Unlike in a democracy, king and queens do not have explained their action or defined the decision they take. Democracy से एकदम अलग है वंशी. Democracy में क्या होता है? सरकार जो निर्णय लेती है वो हमें बताती है क्योंकि हम उनको इलेक्ट करते हैं, हम उसको चूज करते हैं. ये वाला जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट है हमारा, उसमें मेन कौन होता है? किंग होता है या तो फिर क्वीन. ओके ये रन करती है गवर्नमेंट, मतलब देश चलाना है तो यहाँ पे कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है, कोई सीएम नहीं होता है, यहाँ पे क्या होता है? मेन किंग और क्वीन. एक बात ये कि यहाँ हमारा जो गवर्नमेंट कि आपको बताया कि उनका ग्रुप बहुत ही बड़ा होता है ना, हमारा जो
गवर्नमेंट है उसका ग्रुप बहुत बड़ा होता है, जैसे जैसे कि पाटन कुछ ना कुछ सीखोगे। ओके, जैसे कि पाटन है तो पाटन की जिला पंचायत है तो उसमें बहुत सारे मेंबर्स होते हैं और सारे मेंबर्स के साथ डिस्कशन करके कोई भी ग्रुप चलाना है तो सबके साथ डिस्कशन करना जरूरी है। तो यहाँ पे इतना अलग है, इन लोगों का जो ग्रुप होता है वो बहुत ही स्मॉल ग्रुप होता है एंड दे आर नॉट टॉकिंग और नॉट डिस्कशन विद द पीपल, है ना, वो लोगों के साथ कोई भी प्रकार का डिस्कशन नहीं करते, डिमांड नहीं करते, बताते नहीं है कि वो क्या एक्शन करने वाला है, डिसीजन किसका होता है, ओनली डिपेंड ऑन की और पी। ओके, तो दिस इज रियली वेरी डिफरेंट फ्रॉम डेमोक्रेसी। ओके, दोनों एक दूसरे से एकदम अलग टाइप की गवर्नमेंट है। आप देख सकते हो यहाँ पे किंग का पिक्चर भी दिया, तो दिस टाइप ऑफ गवर्नमेंट रन बाय क्वीन, किंग और क्वीन। ओके, चलो नेक्स्ट वन देखो, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स। इंडिया इज अ डेमोक्रेसी, अंडरलाइन करो, इंडिया कौन सी गवर्नमेंट से रन होती है, डेमोक्रेसी। दिस अचीवमेंट इज अ रिजल्ट ऑफ अ लॉन्ग एंड इवेंटफुल स्ट्रगल ऑफ इंडियन पीपल। और डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लाने के लिए लोगों का बहुत ही स्ट्रगल रहा है, हमारे जो पहले जितने भी लीडर थे है ना, उन लोगों का बहुत ही स्ट्रगल रहा है हमारे देश में डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लाने के लिए। तो हमारे यहाँ भी पहले अंग्रेजों का राज हुआ करता था ना, तो उनसे छुड़ा के आजादी दिलवा के डेमोक्रेसी गवर्नमेंट लाने के लिए लोगों ने बहुत सारा स्ट्रगल किया। There are other places in world where people have also struggled to have democracy. और वर्ल्ड में बहुत सारे ऐसे places हैं जहाँ democracy government लाने के लिए बहुत सारे struggles हुए हैं। You know that the main feature of a democracy is that, underline करो, main feature क्या है, people से करो, people have the power to elect their leaders. This is the main feature of democracy government. Who has the power to elect the person? People. We have the power to elect the government. Okay. If we don't want to elect any person, okay, then we are not giving to what then? Okay. We are voting the person which we like most from the person who works for us. No? So, जो लोग हमारे लिए काम करते हैं हम उसे elect करके लाते हैं, हम उसे vote करते हैं। तो डेमोक्रेसी में मेन पार्ट कौन है, पीपल, हम लोग, आम जनता। आम जनता जो होती है वो इलेक्शन के इलेक्शन करके लोगों को इलेक्ट करके लाते हैं, नेताओं को चुनते हैं, है ना। तो दिस इज द मेन फीचर, पीपल हैव द पावर टू इलेक्ट लीडर्स, अंडरलाइन करो। सो इन अ सेंस ऑफ अ डेमोक्रेसी रूल बाय द पीपल, हम बोल सकते हैं कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिकल, अगर डेमोक्रेसी चल रही है तो उसका रूल किसके द्वारा होता है, पीपल रूल करते हैं। The basic idea is that people rule themselves by participating in making these rules. Democratic government in our times are usually refers to as representative democracies. In representative democracies, people do not participate directly but instead choose their representative through an election process. And हम directly कहीं पे जाके बोल नहीं पाते, मतलब उसमें भी रूल्स होते हैं ना, जिसे हम चूज करते हैं ना, जिसे हम इलेक्ट करके लाते हैं, वो हमारी बातें आगे गवर्नमेंट में लेके जाते हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं हम हमारे द्वारा जिसे भी इलेक्ट करते हैं उसे बताते हैं और वो आगे जाके क्वेश्चन को लेके जाते हैं, चाहे वो दिल्ली लेके जाना हो या फिर गांधीनगर लेके जाना हो, जिला परिषद में लेके जाना हो, तो वहां तक हमारी बातें पहुंचती, हमारे क्वेश्चन पहुंचते हैं। तो डायरेक्टली हम पार्ट नहीं लेते, बट इनडायरेक्टली हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो जिसे हमने इलेक्ट किया है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हुए, है ना, हमें प्रेजेंट करने वाले होते हैं रिप्रेजेंटेटिव, तो हमारे क्वेश्चन हमारे रिप्रेजेंटेटिव फेस करते हैं वहां पे उन्हें ले जाना होता है। दिस इज रिप्रेजेंटेटिव मीट एंड मेक डिसीजन फॉर द एंटायर पॉपुलेशन, सारी पॉपुलेशन के सॉल्यूशन, क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए ये लोग काम। These days, government cannot call itself democratic unless allows what knows as universal adult franchise. This means that all adults in country are allowed to vote. Underline करो, अभी की जो government है ना उसे ऐसा भी कहा जाता है universal adult franchise।
कौन उस एज इज 18 प्लस है ना 18 प्लस 18 जिसकी एज होती है वो वहां कर पाता है दैट इज दे आर एडल्ट है ना तो इसे ऐसा भी कहा जाता है कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ऑल एडल्ट्स इन कंट्री आर अलाउड टू वर्क सारे एडल्ट्स जो भी कंट्री में रहते हैं इंडिया में सारे वर्क कर सकते हैं बट it was not always like this can you believe that there was a time when governments did not allow women and to participate in election oh agar aap ab soch pa rahe the kya aapka america ka government hai na abhi to hum sab vote kar pate hain sab matlab jo 18 se zyada hai 18 plus sab ko sab 18 ya 18 se plus sab vote kar pate hain but pehle ka samay kya मैन को वोट नहीं करने दे रहे थे और पुअर इंसान को मतलब जो गरीब था वो वोट नहीं कर पा ऐसा पहले रूल था तो यहाँ पे लिखा है कि कैन यू इमेजिन दैट कैन यू इमेजिन दैट देयर वाज अ टाइम एक ऐसा समय था दैट टाइम पीपल विमेन एंड पुअर पीपल डिड नॉट अलाउ टू वोट वो लोग वोट नहीं कर पाते क्योंकि वो विमेन महिलाएं वोट नहीं कर पाती थी पुअर पुअर मतलब गरीब वोट नहीं कर पाते थे इन देयर अर्लीएस्ट फॉर्म्स गवर्नमेंट अलाउ ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी एंड वर एजुकेटेड टू वोट ओके अंडरलाइन करो पहले के समय में किसको वोट करने के लिए अलाउ था तो आपको आंसर लिखना पड़ेगा क्या आंसर आएगा ओनली मैन हु ओन प्रॉपर्टी ऐसे इंसान जो है ना जिसके पास प्रॉपर्टी अपनी खुद की जमीन जायदाद वो लोग कर पाते हैं और जो एजुकेटेड जो पढ़े लिखे अनपढ़ लोगों को वोट करने के लिए अलाउ नहीं अंडरलाइन दिस पॉइंट इन अर्लीस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अलाउड ओनली मैन टू वोट हु हैज ऑन प्रॉपर्टी और वर एजुकेटेड दिस मीन द विमेन द पुअर प्रॉपर्टीलेस एंड द अनएजुकेटेड वर नॉट अलाउड टू वोट इसे भी अंडरलाइन कर दो वंसी who did not allow to vote अगर ऐसा क्वेश्चन आए एग्जाम में तो आपको क्या लिखना है क्या लिखोगे women poor propertyless person uneducated person not allowed to vote okay and who is allowed who was allowed to vote only man who has left own property they are allowed to vote okay समझ में आया यहाँ तक yes The country was governed by the rule and regulation that is few men had. पहले के समय की बात थी government कौन बनाता था कौन choose करता था कैसे चलती थी तो government किसके द्वारा rule होती थी तो ऐसे इंसान जो वॉक करते थे है ना जो उसके पास wealth थी मतलब जिसके पास property थी यहाँ पे भी लिखा है country was governed by the rules and regulation that is few men had. बहुत कम इंसान जो बड़े बड़े लिखे रहते थे वो जो बनाते थे ना उससे गवर्नमेंट इन इंडिया बिफोर इंडिपेंडेंस मतलब आजादी से पहले इंडिपेंडेंस मतलब आजादी बिफोर इंडिपेंडेंस इन इंडिया ओनली अ स्मॉल माइनॉरिटी वाज अलाउड टू वोट एंड दे देयरफॉर केम टुगेदर टू डिटरमाइन द फैक्ट ऑफ द मेजॉरिटी Several people, including Gandhiji, were shocked at the unfairness of this practice and demanded that all adults have to write to vote. There is no universal adult franchise. Gandhiji जैसे लोग आगे आए उन्होंने देखा कि ये तो unfairness चल रहा है. Women को वोट नहीं दे रहे हैं, गरीब लोगों को वोट नहीं दे रहे हैं. तो ये तो बहुत ही unfairness है चल रही है. तो एडल्ट्स को वोट दे देना चाहिए ऐसा उन लोगों ने डिमांड किया था एडल्ट्स राइटिंग इन जनरल अंडरलाइन करो यंग इंडिया इन 1931
आई कैन नॉट पॉसिबल पॉसिबली हियर द आइडिया दैट मैन हु हैज गॉट वेल शुड हैव द बट दैट इज बट दैट अ मैन हु हैज गॉट द कैरेक्टर बट नॉट वेल्थ और लिटरेसी शुड हैव नॉट गॉट और दैट द मैन हु वॉक्स ऑनेस्टली बाय द साइड ऑफ हिज ग्रुप डे इन डे एंड डे आउट शुड नॉट हैव वॉक्स फॉर क्राइम बीइंग द पुअर उसने यहाँ पे लिखा है कि मैं ये सह नहीं पाता हूँ आई कैन नॉट बियर दैट मैन जो इंसान के पास वेल्थ है मतलब पैसे है वो ही खाली वॉक कर पाए है ना जिस इंसान के पास कैरेक्टर अच्छा है भले ना उसके पास लिटरेसी मतलब पढ़ाई ना हो उसके पास पैसे ना हो उसे वॉक करते करने देना चाहिए जो इंसान बहुत ही ऑनेस्टी से काम करता है पसीना बहाता है पूरे दिन काम करता है ना ऐसे इंसान को भी वॉक देना चाहिए ऐसे गांधी जी ने अपनी जो ग्रंथ में लिखा है यंग इंडिया में जो 1931 में पब्लिश हुई थी यहाँ पे क्वेश्चन से पार्ट वाले फर्स्ट पार्ट खत्म हुआ है उसका है ना ओके एक मैप भी देखने के लिए बोला है देखो लुक एट द मैप ऑन पेज नंबर 29 एंड 30 दे शो द स्टेट यूनियन टेरिटरीज एंड डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ इंडिया फाइंड आउट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम दिस मैप्स एंड वेरियस अदर रिसोर्सेज नेम नेबर्स ऑफ इंडिया चलो पेज नंबर 29 वाले पेज नंबर पे तो बहुत ही छोटा छोटा लिखा है कुछ लिखा है चलो नेबर्स कौन कौन से इंडिया के देखो अफगानिस्तान पाकिस्तान है ना कजाकिस्तान दीज आर द नेबर्स ऑफ इंडिया चाइना नेपाल Exercise we will do tomorrow. Okay, Mansi? Okay, man. This chapter's exercise we will do tomorrow. Okay? I will send PDF today and we will discuss the question answer tomorrow. You have to write down the question answer in your notebook, CX notebook, and we will discuss it tomorrow, the question answer. Okay? Ma'am?